जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक देसी आयुर्वेदिक पौधे से परिचित कराऊंगा, जिसको कि सुंदरता में अपना एक अलग ही स्थान है। इसके पुष्पों को देखकर देखिए, इसके कितने सुंदर प्यारे पुष्प होते हैं, दो तीन कलरों में, पीला भी, गुलाबी भी, सफ़ेद भी। और इसके पत्ते मखमली टाइप के दोस्तों होते हैं, बहुत ही मखमल टाइप के पत्ते इसके होते हैं। तो दोस्तों, इसके पुष्पों से इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी देखने में लगती है। इसके फलों में भी विशेषता होती है। इसके फल जो है बाघ नखी इसको कहते हैं, बाघ के नाखूनों के समान, या काकनासा इसका एक नाम है। कौवे की तरह आकृति, कौवे की नाक की तरह आकृति होती है इसकी, इसलिए इसके नाम होते हैं काकनासा, बाघ नखी। ये देखिए, कौवे की चोंच के समान इसकी आकृति होगी। और ये जब फल पक जाएगा तो ये काला काला इसके अंदर निकलेगा, और कौवे कि नाक के आकार से होता। हमारे गांव में इसको दोस्तों कौवा ही कहते हैं। इसका एक नाम दोस्तों है बिच्छू कांटा, क्योंकि इसके जो फल होते हैं उनको घिस कर जहाँ बिच्छू काट ले वहाँ पर लगाने से आराम होता है, ऐसा बताया जाता है। और या इसके पत्तों को पीस कर भी लगाने से आराम होता है। और पहले के समय में लोग अपने जूतों में इसके फल को लगाते थे, जिससे उसमें आवाज़ आती थी तो काफ़ी, और उसकी महक से बिच्छू भी उनके जूतों में प्रविष्ट नहीं करते थे। देख लीजिए दोस्तों, कितना सुंदर फूल आता है इसमें एक तो। और इसका एक दोस्तों अद्भुत प्रयोग है, जहाँ कैसा भी घाव हो, जख्म हो, उस पर इसके जो कोमल पत्ते होते हैं उनको घी में, उनको पीस कर घी में तल कर अगर उस घाव वाले स्थान पर लगाएं, कैसा भी घाव हो दोस्तों, तो वह सही हो जाता है। अगर घी में ना तलें तो ऐसे ही पीस कर उसको मल कर वहाँ पर पीस कर लगाएंगे घाव पर, तो कैसा भी घाव दोस्तों ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह इसका एक अद्भुत प्रयोग था इसके पत्तों को घाव के लिए। इसका दोस्तों नेट पे जो मैंने प्रयोग देखा है यूट्यूब पे, इसके बहुत लोग जो है पहले के समय में इसको जो है हत्था जोड़ी प्लांट इसको बता रहे थे। तो दोस्तों, इसमें हत्था जोड़ी तो कुछ नहीं निकलती है, ये एक सिंपल सा गांव खेतों में हमारे यहाँ मिलने वाला एक प्लांट है। लेकिन जो है देसी, इसके जो घाव पे जो प्रयोग है वो बहुत अचूक है, इसलिए इसके किसी कहीं पे भी घाव अगर किसी के पास ये पौधा उपलब्ध हो तो इसके पत्तों को पीस कर वहाँ पर लगाएंगे तो घाव भरने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको जो है एक आयुर्वेदिक पौधे बिच्छू कांटा, काकनासा से अवगत कराया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।